ही 24 तास एक पाउल पुढे। जनार्दन ईश्वर होता है, जनता जनार्दन ये ईश्वर का रूप होता है। मेरे लिए आप ईश्वर का रूप हैं और मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। आपने हमें सत्ता तो दी, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि आगे भी हमसे कोई गलती ना हो। आप आशीर्वाद दें ताकि गलती से भी हमारे हाथों से किसी का बुरा ना हो। और मुझे विश्वास है ये ईश्वर रूप जनता जनार्दन जब आशीर्वाद देती हैं तो फिर गलती होने की कोई संभावना नहीं रहती है। 12 करोड़ आंखें मुझे हर पल देखती हैं और भाइयों बहनों, ये विजय नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये विजय 6 करोड़ मेरे गुजराती भाइयों बहनों का है, ये विजय हिंदुस्तान के उन नागरिकों का है जो विकास के लिए, सुख के लिए सदियों से तड़पते आए हुए हैं, उन सबके आशीर्वाद का विजय है। कोई आसाम में रहता होगा, कोई केरल में रहता होगा, कोई जम्मू कश्मीर की धरती पर रहता होगा, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होगा, जो देश का भला चाहता है उन सबका ये विजय है, उन सबका ये विजय है। भाइयों बहनों, मैंने चुनाव में कहा था, इस चुनाव के अंदर एक तरफ लाखों कार्यकर्ताओं का पसीना है और दूसरी तरफ पैसों की बौछार है। और मैंने कहा था और बड़े विश्वास से कहा था कि पैसे परास्त होंगे, पसीना जीत जाएगा। मेरे उन लाखों कार्यकर्ताओं का पसीना, दिन रात का उनका समर्पण, पार्टी के लिए जीना, पार्टी के लिए मरना, कठिन में कठिन परिस्थिति में भी जिनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, भारत माता की जय, ऐसे लाखों साथियों के कारण ये विजय श्री संभव होता है। मैं आज उन लाखों कार्यकर्ताओं के सामने भी अपना सर झुकाता हूं। भाइयों बहनों, पार्टी हमारी मां होती है, उस मां के आंचल में हम बड़े होते हैं, हम जो कुछ भी होते हैं हमारी पार्टी के कारण होते हैं, और अगर पार्टी नहीं होती है तो हम कहीं के कहीं नहीं होते हैं। भाइयों बहनों, आज हम जो भी हैं सब लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 40-40, 50-50 साल से अनेक लोगों ने जो तपस्या की है, कुछ लोग आज जिंदा हो गए, कुछ लोग नहीं होंगे, उन सब के परिश्रम का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी का विजय, उसकी विजय पताका लहरा रही है। भाइयों बहनों, मुझे गुजरात को और आगे बहुत 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 आगे ले जाना है। दलित, पीड़ित, शोषित, गरीब, गांव, किसान, ये विकास के फल उसके घर तक तो पहुंचे, लेकिन वो स्वयं भी
विकास यात्रा का राहबर कैसे बने, वहां तक मुझे उसको ले जाना है और वो बनेगा, वो बनेगा। भाइयों बहनों, पहले हम सुनते थे कि किसी जमाने में ऐसा था और अब ऐसा हुआ। आज बदलाव हम अपनी आंखों से देख सकते थे कि कल ऐसा था, आज ऐसा हुआ। और मैं आप अपनी आंखों से गुजरात को दिव्य और भव्य देख करके जाएं, इस तेजी से काम करना चाहता हूं। कुछ कर लो, वरना पहले तो क्या था, कोई एक सरकार 5 साल में एकाध अच्छा काम कर ले तो भी उसकी गाड़ी चल जाती थी। मैं एक ऐसा इंसान हूं, अगर रोज एक नया काम नहीं करता हूं तो मुझे चैन नहीं होता है। और ये सब इसलिए होता है, आपके आशीर्वाद है, ईश्वर के आशीर्वाद है, और इसलिए होता है। और खुद के लिए कुछ करना भी नहीं है, और इसलिए पूरी शक्ति आप ही के लोगों के लिए लगती है। भाइयों बहनों, मैं किसी की आलोचना करना नहीं चाहता, लेकिन आज मैं देश के बड़े बड़े पंडितों को टीवी पर सुन रहा था, मैं हैरान था। अभी भी वो गुजरात के विजय को पचा नहीं पा रहे हैं। पता नहीं आज रात को उनका क्या होगा, नींद आएगी या नहीं आएगी। लेकिन मैं गुजरात के मैं सभी बंधुओं से प्रार्थना करता हूं कि आज जब शाम को ईश्वर से आप प्रार्थना करें तो 2 मिनट उन सबके लिए भी प्रार्थना करें, ताकि वो चैन की नींद लें, निर्मल मन से सुबह उठे, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते। मैंने तो देखा किसी ने यहां तक कह दिया ये चुनाव तो ड्रॉ है, ड्रॉ। क्यों? तो एक स्टेट कांग्रेस जीत गई, एक स्टेट बीजेपी जीत गई। क्या ये क्या बौद्धिक व्यभिचार हो रहा है? अरे मेरे मित्रों, गुजरात को इतना नीचा दिखाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? एक काम करो, गुजरात कांग्रेस की सीटें और हिमाचल कांग्रेस की सीटों दोनों का मेल कर दो, उसके बाद भी गुजरात की ज्यादा है। कुछ तो शर्म करो यार, पचा नहीं पा रहे, पचा नहीं पा रहे। मित्रों, विजय विजय होता है, मानना पड़ेगा। अगर बीजेपी की 93 सीट होती तो भी शपथ बीजेपी सरकार का ही होना था। लेकिन मैं आज पॉलिटिकल पंडितों को देख रहा था कि उनको ये सिंपल अरिथमेटिक वो भूलने में इंटरेस्टेड थे। देश की जनता को वो गुजरात को ध्यान में ना आए, गुजरात का विजय ध्यान में ना आए, गुजरात की जनता का ये पराक्रम ध्यान में आए, कुछ इंटरेस्ट नहीं था। मित्रों, आज जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की स्थिति है, इसमें एक सरकार का दूसरी बार जीतना ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना होती है, बहुत बड़ी घटना होती है। लेकिन ये हैट्रिक है, ये स्वीकारने के लिए ये जो एक टोली है, गुजरात विरोधी टोली। जी 24 तास एक पाउल पुढ़े।